तो आप जो लेफ्ट साइड में देखो रिया, वो पेइंग पॉइंट है। अटे आपने टिकट लेनी है, अटे आपने 43 डॉलर ही टिकट मिली ला, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोकल करेंसी में या फिर आप कार्ड से पे कर सको, बाकी कोई भी करेंसी अटे अलाउड नहीं वेला। आप अगर कोई भी बाकी करेंसी लेना बोला तो वह अलाउड नहीं वेला। वरने होती आप सीधा स्ट्रेट वे एंटर कर सको, और एंटर वास्ते आपने कने प्राइवेट व्हीकल या अनोरी गाड़ी बनी सीजिए। आप हाल ने या कन भी तरीका थी वॉक थी कवर नहीं कर सको, और मैं आप 2-3 पॉइंट से जटे आप उतर सको, अपने अलावा आपने कटी भी उतरा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप प्राइवेट गाड़ी है अनोरी, तो अन तरीका थी टिकट ले नहीं मैं जा सके, चाहे वो होटल की गाड़ी हो या वो, बट आप पर्सनल आप व्हीकल लेना आवड़ो, नहीं तो अटा जो व्हीकल लोला वो आपने घना मूँगो पड़ेगा। तो नैरोबी नेशनल पार्क द ओल्डेस्ट पार्क इन ईस्ट अफ्रीका वॉज इन 16 दिसंबर 1946। तो मैं आपने पहले ही बताया कि वो हैंगोती पुरानो नेशनल पार्क है और फर्स्ट नेशनल पार्क है केनिया रो। तो अभी मैं जो रहा हूँ और जो भी जनावर दी किला मैं आपने बतावा की कोशिश करूँगा। तो पार्किंग री फैसिलिटी मिल जाएगा अगर आप बारे आवे कोई सुवेनियर शॉप में कोई खरीदना चाहो तो भी। तो अबे आप जो देखो रिया वो है दुनिया रो हैंगोती मोटो पक्षी, लेकिन वो उड़ नहीं सके। जी हाँ, तो चतुर्मुर्ग उड़ नहीं सके, और अगर चतुर्मुर्ग ने जदि भी कोई खतरो नजर आवे तो वो हैंगोती तेज भागारी कोशिश करे। अन्ने 3 पेट वे और 3 इस ओक्यो वे, लेकिन वन्ने हाथ आते जो अन्ना जो पंख वे 2 मीटर की लंबाई रहे। और चतुर्मुर्ग मोस्टली आपने अफ्रीका रा जंगलों में मलीला, और जो सर्दी रो मौसम वे वन में ये चतुर्मुर्ग मोस्टली अकेला आपने देखा न मली। और अन्नो जो मीट वे वो बहुत सी कंट्री में आपने अवेलेबल है, और लोग अन्य बड़े इंजॉय थी खाए भी है। तो आप वो देखें हम सको कि अणन क्यों जंगल का राजा के कोई लेनो देनो नहीं है, मनक उबाय पाकती, लेकिन अणन था है कि कोई ओपरो कोई नहीं बगाड़ सके। तो जो लाइन वे वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन वे, अणोरे 4 पग वे, और जो अणोरा पंजा वे वे बहुत ही खतरनाक वे। मेल शेर में और फीमेल शेरनी में अगर आपने फर्क करना है तो आपने देखनो पड़ी, जो मेल शेर वे अणोरे गर्दन माते बहुत सा बाल देखान मलीला, जबकि फीमेल रे माते आपने देखान नहीं मली। और जो हैंगोती ओल्ड शेर वे वो 120 और 240 किलो रे आसपास रो वे, और अगर एक टाइम शेर हका करे तो वन्नी जो गूंज है वह कम से कम आप 7 किलोमीटर दूर तक हूं सको। तो अनोरे मुड़ा में ऑलमोस्ट 26 दौत वे, और अगर ये शेर अफ्रीका में और एशिया दो जगह मलीला आपने तो आप देख सको कन तरीका थी उबा है, कोई लेना देना नहीं है। और अगर शेर ने जंगल का राजा के वनो रीजन भी आप देख सको, वो अफ्रीकन शेर है तो अतरी हालत खास है नहीं, बिकॉज अनोनाटे खावा ने अतरी चीज मले नहीं एज कम्पेयर टू अगर वे क्लोज जंगल में रहे तो वटे वनों ने मीट मल सके, बारू भी लावे ने जंगल वाला दे। बट जो ये जो अनफॉरेस्ट में रह रहा है अटे अनंत खुद शिकार करना पड़े, और ये मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है तो जो भी जंगली जानवर अनंत मले वे खाया। तो आप देख सको अबे पानी पीवाने भी आयोड़ा है, तो अटे अनंत कोई प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है, जो पानी पड़ी हो चाहे वो गंदो हुए अच्छो हुए हमती कोई लेना देना नहीं है, वो अनंत वो ये पिए। तो अभी जो आप देखो रिया वह है अफ्रीकन भैंस और अफ्रीकन बफेलो अन्य जने के, तो आप देख सको बहुत ही कद काठी में भी बहुत ही हैवी है, और वन्य हाथे हाथे अणोरो जो जिगरो वे वो बहुत स्ट्रांग वे, ये जंगल में रहे तो जो लाइन वगैरह अणो मते अगर अटैक करे तो वे अणोती ए वणोती लड़ा में पूरी तरह सक्षम है। और बहुत से टाइम आप वीडियोज भी देखिए बोला कि ये भैंस लाइन थी लड़िया और लाइन ने मारियोड़ा भी है, तो अन तरीका अणोरो जिगरो आप देख सको अन्य अफ्रीकन भैंस के वे। तो अबे जो आप देखो रिया वो है दुनिया रो हैंगोती लंबो स्तनधारी जीव। जी हाँ, तो आप देख सको वो जिराफ है, और ये जो पैदा हुए वन टाइम उन्होंने हाइट हुए वह 6 फीट रहा आसपास हुए, आजकल नॉर्मल 6 फीट रहा इंसान ही नहीं बह रही है। तो जो मेल जिराफ वे वनी हाइट हुए अराउंड 18 फीट रही, जबकि फीमेल री वे अराउंड 14 फीट, तो आप देख सको अटे। और अन्नी जो गर्दन वे वह लगभग 6 फीट रही वे, और जिराफ रो जो वजन वे वो जो अगर मेल है तो वन वजन 1200 किलो वेला, और फीमेल रो 800 किलो रहे आसपास है। और जिराफ री एक खासियत है कि पूरी जिंदगी उबाउबस बितावे, ये हुए नहीं हुए तो ही उबाउबस हुए, और जो अगर बच्चा पैदा भी करी तो उबाउबस करीला, ये पैर मोड़े बैठ सके लेकिन बहुत कम टाइम वे अड़ो के एक करें।
तो आप देख सको। और ये अगर दौड़े तो 55 किलोमीटर की रफ्तार थी जिराफ भाग भी सके, तो आप देख सको अतरो वजन वेणो अतरो लंबाई व्यवहार आस वे होती भी अगर यात्रा तेज भाग सके अनु मतलब कि एक तरह स्ट्रांग वेला आप देख सको। तो अन जंगल में आपने ना सिर्फ हैंगोती मोटा हैंगोती लंबा जानवर मली बल्कि सबसे छोटा क्यूट जानवर भी मली हुए हैं कछुआ, और ये भी आपने अवेलेबल है आप देख सको। और जो कछुआ है वो 20 साल करोड़ यानी कि डायनासोर जमाना रो है और ये लगभग 100 साल तक जीव सके, तो आप देख सको कतरा प्यार ती हाल रही हो। तो अभी जो आप देखो रिया है वो ना सिर्फ एक जानवर है बल्कि आपने मने हैंगोन हुनियान मलियो वेला करीन कदीन कदी कॉपर करी रोटी ज्यादा खवाए या हेटा बहुत क्या कोई गेंडा जीव भी हो तो वो है गेंडो। तो लगभग गेंडारी जो ऊंचाई वे 100 फुट वे और लंबाई 11 फुट रे आसपास वे और अन्नो वजन 2000 ती लगावे ने 2700 किलो रे आसपास वे और जो भारत में गेंडा है वनरो वजन 3800 किलो रे आसपास है, तो आप देख सको अटे। तो अभी जो आप देखो रही है ये ड्राइवर आपस में बात करे और बतावे के अटे वो जानवर मौजूद है, तो ये एक बीजा ती कोऑर्डिनेट करे ने एक बीजा ने बतावे के अटे तू जा अटे थन वो जानवर देखा मली और अन्य तरीका थी एक दूजा ने टूरिस्ट ने हेल्प करे वो जानवर देखा ने, तो आप देख सको यणो लैंग्वेज में बोले रिया है और आपने कन्वे करे रिया कि वटे जा वटे वो जानवर मौजूद है, तो आणोरी कोड लैंग्वेज वे। तो अटे जो मैं चीज़ हैंगोती ज़्यादा देखी वह है जेब्रा, जेब्रा आप देख सको अटे। और जेब्रा मोस्टली अगर अणन देखा जाओ तो ये घोड़ा ने जो गधा है वनारा रिश्तेदार अणन लाइक रिश्तेदार है जो है, लेकिन घोड़ा और गधन तो आप पाल सको जेब्रा नहीं पाल सको बिकॉज जो अणोर स्वभाव है वो बहुत खतरनाक है और ये जल्दी हमलों करे। तो आप देख सको अन जंगल में मैं बहुत सा जेब्रा पूरा झुंड रहा झुंड देखी। तो अटे आपने हिरण जड़ा जानवर भी आपने देखा मली, हिरण एक ऐडो जानवर है जो अटलांटिका में छोड़े ने दुनिया रा हर कोना में आपने देखा मलीला, और हिरण की लगभग 60 आसपास प्रजाति मौजूद है। और जो हैंगोती नैनको हिरण है भारत में वो छत्तीसगढ़ में देखो तो 1905 में जन्ने की माउस हिरण भी कहे, तो आप देख सको अटे आपने हिरण बहुत ज्यादा देखा मली है, देखो ये दौड़े रही है और हिरण भागवा में भी बहुत तेज है और अच्छो खासो हिरण भाग सके। तो अभी जो आप ब्रिज देखो रिया है अन्य लंबाई लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास है और ओ ब्रिज चाइना कंस्ट्रक्ट की दो है नैरोबी में, तो अणोगन एक बहुत मोटो टास्क तो कि एक सिटी थी दूसरी सिटी कनेक्ट करनी थी विदाउट वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब करें, तो ये चाइना थी कॉन्टेक्ट करें आप देख सको एंड पिलर रो वो ब्रिज बनाएड़ो तो बहुत सारा पिलर गाले ने वो ब्रिज की दो है ताकि वाइल्ड लाइफ जो अणोरो फॉरेस्ट है वे वन्य कण भी तरह डिस्टर्ब नहीं करे और जानवर कण भी तरह डिस्टर्ब नहीं हुए, तो अतरो जानवरों भी होशियोड़ हो आप देख अटे थोने अटे वो जो स्टेशन है अटे लोग रुक सके और रुके ने फोटो खींच सके और एक इस प्लेस है एंड पूरा नेशनल पार्क में जटे फोटो खींचनी अलाउड है और वो प्लेस है वोटे और वोटे अंड अलावा कटे भी फोटो खींचनी और नीचे उतरना अलाउड नहीं है, फोटो खींचनी अलाउड है बट नीचे उतरने खुदरी फोटो खींचनी अलाउड नहीं है। सो अटे आप देख सको सब कार पड़ी है और सब ऑलमोस्ट फोटो सेशन वेरी वटे। और अब मैं जो रहा है बीजा जानवर देखवा कि कोई कोई जानवर अब है कोई कोई नहीं है। तो ये हमारे सर तो ऊपर गया पा हमें ही पालो आप अंतररी लाल जो मिट्टी है मोस्टली विमिल्डन में और टेनिस कोर्ट में आपने देखा मलीला, तो अंतरिका अलग अलग मिट्टी है आप देख सको रियल लाल मिट्टी है और आपने टेनिस कोर्ट में मोस्टली देखा मलीला। बहुत ही अच्छा वेदर भी अच्छा है आज और वेदर आते आते व्यू तो आप देख ही सको, व्यू तो आपने के बारे कोई जरूरत ही नहीं है। ब्रदर 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 हेलो व्हाट्स योर नेम? टिमोथी माय नेम। सो इट्स बीन हाउ लॉन्ग यू आर टूरिंग दिस? आई बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस 1991। यस सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 इयर्स। यस हाउ ओल्ड आर यू? Now I'm 54 years. 54. You yes. don't look like that. Old. Because I do enjoy the stress. My job has no stress. I only get stress if I don't show you lions. Once I show the lions, all the stress goes. All the stress goes. Yes, oh, stress. That's good. That's and why you look young. And you did your job today. Thank you. थोड़े कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी उड़ा है आप देखो जिनमें कि आप जानवरों ने खवार नहीं सको बबूंस थी आपने सावधान रहना डिस्कार्ड लिटिल बे जो भी प्लास्टिक बटे वैसे भी अटे बैन है नॉर्मली केनिया में प्लास्टिक पूरी तरह की बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक माते तो पूरी तरह की बैन है। तो अभी जो आप देखो रिया वो है बगुलो और मोस्टली ये बगुलो आपने नैरोबी नेशनल पार्क में हर जगह देखा मली और अनोरो मैन कॉम है वे ही
हाप ने खाए। तो आप देख सको कतरा खतरनाक भाई ओपेहंग हाप ते डरो और ए हाप रो शिकार करे। तो वन्या हाथे आते आपने आते देखा मलीला कि जो ए गिनी मुर्गा है छोटा छोटा ब्लैक कलर आप जो ये मुर्गा देखो रही है ए भी आपने आते देखा मली और ए भी ग्रुप में रे ने अटैक करे और हाप माते अटैक करे एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल भंग करे बेसिकली एक आगू करे अटैक और एक पुटू अटैक करे। तो वन तरीका थी एक ग्रुप में रे ने अटैक करे तो आप देख सको ए भी आपने अटे जंगल का कोना कोना में देखा मलीला। और अभी देख सको हिरण भी अपन देखें भागे रहा है। तो अटूस में व्लॉग खत्म करूँ ला तो ओरियो नेशनल नेशनल पार्क ऑफ नैरोबी। तो अगर आपने व्लॉग पसंद आयो तो लाइक कर जो कमेंट कर जो और चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जो। ये देखो अपन देखें हैंग दौड़े रहा है तो आप ही हम पा लो और अटूस व्लॉग खत्म कर लियो। तो थैंक यू सो मच गाइस।